भाई चलिए आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ सेंसरी सप्लाई ऑफ फेस। ठीक है, देखिए मैंने इसको कैसे इसको डायग्राम बनाया है एंड इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। और चलिए मैं स्टार्टिंग से आपको बताती हूँ कि क्या इसमें पढ़ना है और क्या नहीं, कैसे इसको डायग्राम याद रखना है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि सेंसरी सप्लाई ऑफ जो होता है फेस जो होता है वो कौन करता है, ट्राइजेमाइनल नर्व फिफ्थ क्रेनियल जो होता है ब्रांच होता है वो सप्लाई करता है होल फेस को। ठीक है, जिसको फिफ्थ ब्रांच बोलते हैं। लेकिन एक्सेप्ट जो होता है एंगल ऑफ जो होता है मैंडिबल जो होता है जो कि कौन सप्लाई करता है, ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व C2 और C3 डिवीजन होता है जो पार्ट होता है स्पाइनल नर्व का। ठीक है, और आइए डायग्राम में देखते हैं। जैसे कि ये ट्राइजमाइनल नर्व का जो होता है V1 डिवीजन है, V2 डिवीजन है, V3 डिवीजन है, और ये जो होता है लोअर पार्ट जो होता है एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है वो ग्रेटर ऑरिकुलर टेम्पोरल ग्रेटर ऑरिकुलर जो होता है नर्व होता है C2 C3 इसका ब्रांच होता है स्पाइनल नर्व का। ये जो होता है पार्ट जो होता है वो ट्राइजमाइनल से नहीं होता है। उसके अलावा जो होता है होल जो फेस होता है वो जो होता है सप्लाई कहाँ से होता है, उसका सप्लाई ट्राइजमाइनल नर्व से होता है। एक्सेप्शन एक है, ग्रेटर ऑरिकुलो नर्व। ठीक है, ग्रेटर ऑरिकुलो नर्व जो होता है ये जो होता है सप्लाई जो होता है एंगल ऑफ मैंडिबल को करता है, बाकी सारी ट्राइजमाइनल नर्व। चलिए हम ब्रांचेस की बात करते हैं। ट्राइजमाइनल नर्व जो होती है जिसको हम फिफ्थ जो होता है ब्रांच बोलते हैं ये रोमन नंबर में लिखा जाता है, जिसको हम V1 V2 और V3 में हम डिवाइड करते हैं। इसके तीन पार्ट होते हैं, ऑप्थैल्मिक नर्व, मैक्सिलरी नर्व, और थर्ड जो होती है वो क्या होती है, मैंडिबुलर नर्व। इसके तीन डिवीजन होते हैं बहुत आसानी से। जो V1 डिवीजन होती है जिसको हम बोलते हैं ऑप्थैल्मिक नर्व, वो सप्लाई करती है अपर 1/3 ऑफ द फेस। ये वाली जो पार्ट होती है अपर 1/3 ऑफ द फेस उसे वो सप्लाई करती है। जो मैक्सिलरी नर्व है जिसको हम V2 डिवीजन बोलते हैं वो सप्लाई करती है मिडिल 1/3 ऑफ द फेस। ये वाला जो पार्ट है जो रेड से किया गया वो मिडिल 1/3 ऑफ द पार्ट, जिसके तीन ब्रांचेस है जिसको हम डिटेल में बात करते हैं। जो थर्ड पार्ट है जो मैंडुलर नर्व है जो V3 डिवीजन है वो सप्लाई करता है लोअर 1/3 ऑफ द फेस। लोअर 1/3 ऑफ द फेस जो ग्रीन वाला जो पार्ट है जो मैंने ये ग्रीन से दिखाया है उसको, ये एंगल ऑफ मैंडिबल जो होता है वो ट्राइजमाइनल से नहीं होता है, वो ग्रेटर ऑरिकुलो नर्व से होता है C2 और C3 डिवीजन जो होती है स्पाइनल नर्व उससे होती है। चलिए आगे हम बात करते हैं इसके ब्रांचेस की। इसके पांच ब्रांचेस होते हैं, सुप्रा ट्रोक्लियर, इंफ्रा ट्रोक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, लेक्राइमल नर्व एंड एक्स्ट्रा नेजल नर्व। जो इसकी हम बात करते हैं ये V1 डिवीजन है, ये V2 डिवीजन है और ये V3 डिवीजन है। ठीक है, इसमें देखिए डायग्राम को देखिए, सिंपल सा डायग्राम बनाइए वैसे ही आप लोकेट कीजिए। V1 डिवीजन कहाँ है, यहाँ पे सुप्रा ट्रोक्लियर, ये आंख है, आंख के ऊपर जो होता है ये क्या, ये आंख के आसपास की जो होता है सप्लाई कौन करता है, ऑप्थैल्मिक नर्व। इसके सारे पांच ब्रांचेस होते हैं। और जो सुप्रा ट्रोक्लियर होता है वो ट्रोक्लियर कहाँ होगा, आई के जो होता है ऊपर, इसकी डिवीजन जो होती है कहाँ होती है, आई के जो होती है ऊपर होती है, सुप्रा ट्रोक्लियर। ये हो गया एक नंबर, ठीक है, सुप्रा ट्रोक्लियर। दूसरा कहाँ होगा, ये है, ठीक है, ये हो गया ऑर्बिट, ठीक है, ऑर्बिट हो गया। तीसरा हो गया क्या, तीसरा हो गया इंफ्रा ट्रोक्लियर, इंफ्रा ट्रोक्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेक्राइमल ग्रैंड होता है तो यहाँ पे लेक्राइमल नर्व होगा। फिफ्थ में जो होता है ये वाला एक्स्ट्रा नेजल नर्व हो गया। ठीक है, ये याद रखना आपको, ये याद रखिए, जो होता है इंफ्रा ऑर्बिटल जो होता है वो V2 डिवीजन का पार्ट है, इसका पार्ट नहीं होता है, समझ गए, यहाँ पे ऑर्बिट का नीचे। फिर जो होती है, आइए चलिए हम आपको बताते हैं कि मैक्सिलरी नर्व क्या होता है। V2 डिवीजन होता है जो सप्लाई करता है 1/3 ऑफ द फेस, जाइगोमेटो टेम्पोरल, जाइगोमेटो फेशियल एंड इंफ्रा ऑर्बिटल। ठीक है, ये देखिए सिक्स क्या हो गया, यहाँ पे जाइगोमेटिक और टेम्पोरल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो जाइगोमेटो टेम्पोरल। यहाँ पे क्या होता है, जाइगोमेटिक और फेशियल जो होता है उसका कॉम्बिनेशन, यहाँ पे उसकी नर्व की सप्लाई होती है जाइगोमेटो फेशियल, ये जाइगोमेटिक वाला रीजन है। ठीक है, ये याद रखिए। तो यहाँ पे जो टेम्पोरल रीजन में रहेगा तो उसको बोलेंगे जाइगोमेटो टेम्पोरल, और जो फेशियल वाले रीजन में रहेगा तो उसको बोलेंगे जाइगोमेटो फेशियल। और जो होता है यहाँ पे क्या होगा, बताए थे आपको कि ऑर्बिट का लोअर वाला पार्ट जो होता है वो V2 का डिवीजन है, तो इंफ्रा जो होता है क्या होगा, ऑर्बिटल। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मैंडिबुलर नर्व की। मैंडिबुलर नर्व जो होता है उसके तीन पार्ट होते हैं, उसको ऑरिकुलो टेम्पोरल, बक्कल और मेंटल। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं डायग्राम में, नाइन्थ नंबर जो होता है वो क्या है, इसमें नाइन्थ नंबर क्या है, ऑरिकुलो टेम्पोरल, कान वाला जो पार्ट होता है, कान के पास जो होता है क्या होगा, ऑरिकुलो टेम्पोरल जो होता है। और उसके बाद क्या होगा, बक्कल, बक्कल कहाँ होगा, माउथ वाला जो रीजन होता है वहां पे जो डिवीजन होता है बक्कल रीजन होता है। और जो चिन वाला पार्ट होता है उसको क्या कहेंगे, वो हो गया आपका मेंटल नर्व, यहाँ पे मेंटल नर्व का
डिवीजन का सप्लाई होता है, समझे। तो ये बहुत आसान है, आपको ऐसे ही बनाना है। और सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको ये डायग्राम है, डायग्राम पे फोकस करना है और जो होता है इस तरह से लिखना है और फिर कलर बनाना है, कलर करके फिर आपको ये करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगी।